नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लीफ रोलर या लीफ फोल्डर के बारे में, जिसे हम पत्ती लपेट भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस कीट का क्या लक्षण है, क्या इसका रोकथाम है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लीफ फोल्डर को जन्म देने वाली सफ़ेद मक्खी, जो कि धान की ऊपरी सिरे में रहती है, वो छोटे छोटे गोलाकार अंडा देती है। उसमें से वो लीफ फोल्डर कीट निकलता है, जो हमारे धान की पत्ती को दोनों तरफ से दायां भाग और बायां भाग को अपने लार्वे से लपेट कर उसके अंदर रह कर धान का हरा भाग को खाता है, जिससे धान की पत्ती सफ़ेद पड़ने लगती है, जिसकी वजह से धान के पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से धान का ग्रोथ या बढ़वार रुक जाती है। इसकी रोकथाम या बचाव के लिए हम कोरंडा 505 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि टाटा कंपनी का एक जाना माना इंसेक्टिसाइड है। इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हम तभी करें जब हमारी फसल में लीफ फोल्डर का शुरुआती लक्षण दिखे, अन्यथा हम सुमिताज, जो कि सुमिटोमो कंपनी का एक जाना माना इंसेक्टिसाइड है, इसका टेक्निकल है कारटाप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फॉर्मुलेशन में मिलता है। अगर किसान भाई जैविक नियंत्रण भी करना चाहते हैं, उसके लिए हम लाइट ट्रैप का भी उपयोग कर नर कीट को मार सकते हैं, जिससे मादा कीट अंडे नहीं देगी। इसके अलावा हम नीम का तेल का भी उपयोग कर सकते हैं तथा नीम की पत्ती का खेत में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे मादा अंडे नहीं देगी। किसान भाई जैविक विधि का उपयोग तभी करें जब खेत में इस कीट का कम प्रभाव हो, अन्यथा रासायनिक विधि का ही उपयोग करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों। हमारे देश किसान है किसान। जय हिंद।